हाँ, बोल रहे थे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं से अंदर घुस के धड़ाम करके कैमरा लेके आशु तेरी वजह से चाइल्डहुड मेमोरीज नॉस्टैल्जिक तो उस टाइम पे नहीं होगा, अब हो गया होगा पता नहीं। अरे वो बाघ था ना मस्त, देखा नहीं था तूने? तो नीचे के राजा बैठे थे सारे। तो दोस्तों, हमारा प्लान बहुत बुरे तरीके से फेल हो गया। लौंगे वाला आज क्लोज्ड है, तो हम लौंगे वाला नहीं जा रहे हैं। हम लोग क्लोज क्यों था करण बाय द वे? क्योंकि वहाँ पे अभी मिलिट्री के कोई अफसर आए हुए हैं, आर्मी के, तो उनके लिए पूरा वो क्लोज है। फॉर्चुनेटली पता नहीं ये क्यों तनोट माता टेम्पल बंद नहीं था, बस आई गेस वो टेम्पल इसलिए बंद नहीं था। ये पूरा वहाँ पे एक वॉर म्यूजियम टाइप है, जहाँ पे पाकिस्तानी टैंक और वो सब है, वो देखने जा रहे थे, पर वो बंद है अभी। तो हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, हम लोग अभी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि यहाँ जाएंगे बड़ा बाग, क्योंकि वो वैसे तो हम जैसलमेर जाने पड़ेगा क्योंकि आस पास तो कुछ है नहीं। तो अब आज के वीडियो में बड़ा बाग देख लो। हाँ मैडम, तो फाइनली ऐसा है कि हम लोग बड़ा बाग जा रहे हैं, बिकॉज रास्ते में पड़ता है, उसके बाद देखते हैं वापस जाएंगे। और लौंगे वाला का वीडियो हम डेफिनेटली शूट करेंगे। जीजू के एक शॉट के चक्कर में मेरे को उतरना पड़ा। अभी आप देखो कुछ नहीं है आसपास, और जीजू अभी गाड़ी घुमा के आ रहे हैं, और लिटरली यहाँ पे नॉट इवन अ सिंगल सोल इज हियर। मे बी वहाँ पे शायद से बकरिया है। दैट वोंट बी मच ऑफ अ हेल्प इफ आई गेट लॉस्ट हियर। माय गॉड, दिस इज वियर्ड। ये देख रहे हो दोनों बकरियां ऐसे बाहर खा रहे हैं। गिरता है अंदर, अंदर गिरता है तो बाहर निकल के खा लेना आलू सारा, कुछ नहीं आया कोई पकड़। ऐसा लग रहा है वो पता है, हम कहीं तबेले में जाते हैं, वो गाय ऐसे बाहर निकलती है खाने के लिए, ऐसा लग रहा है दोनों। जैसलमेर पहुंचा दोगे आप हमें ये बताओ? नहीं पहले बताओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं आएंगे हमको, हम पे बकरियों ने अटैक कर दिया, तो क्योंकि यहाँ पर बकरियां ही है, बकरियां अटैक होगा हम पे, बकरियों की फौज है यहाँ पर। दे दे मुझे, मैं खा लूँ थोड़ा। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए बड़ा बाग, और यहाँ पे भी जो व्यास छत्रिया थी कल हमने देखी थी, ऐसी छत्रिया बनी हुई है। हिस्ट्री अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट यहाँ के जो एंट्री टिकट है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है, मतलब हम तीन लोग हैं तो 300 रुपीज़। और अगर आपके पास कैमरा या फिर गोप्रो या कोई भी है जिसे आप शूट कर रहे हो, देन 150 एक्स्ट्रा चार्ज है उसके। बड़ा बाग मीन्स बिग गार्डन, और यहाँ पे महाराजाओं को समर्पित छत्रिया है, और डेजर्ट के बीच में एक बड़ा गार्डन भी है। आज़ादी के बाद यहाँ पे एक लास्ट छतरी बनाई गई थी, जो महारावल जवाहर सिंह जी के लिए बनाई गई है। बड़ा बाग बनाने का काम 16th सेंचुरी में महारावल जय सिंह ने करवाया था, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके बेटे लूनाकरण ने यह काम कंप्लीट करवाया, और यहाँ पे गार्डन और छतरियां भी बनवाई। इन छतरियों को सैंडस्टोन में से कार्व करके बनाया गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं। गाइड हमने फिक्स किया था 100 रुपीज़ बोला, 250 बोल रहा था, बट हमने 100 पे कन्विंस करवा लिया। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो बार्गेन कर सकते हो, बट हमने इसीलिए नहीं रखा क्योंकि वो मना कर रहा था कि कैमरे के सामने मैं हिस्ट्री नहीं बताऊँगा, तो फिर यहाँ आके वीडियो बनाने का मतलब नहीं है। वो भी सही है, हम भी सही है, हमें भी वीडियो बनाना था, इसीलिए फिर मैंने वॉइस ओवर में इसकी हिस्ट्री डाल दी है। और यहाँ से पीछे विंड मिल्स का जो व्यू आ रहा है बहुत ही मस्त है। तो अंजलि कब आई थी यहाँ पे? 12 साल हो गए, 2007 या 6 में आई थी मैं शायद। तब से कितना बदल गया?
बदला तो कुछ नहीं, छतरी तो वैसे ही वैसे रही, न्यू कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा है यहाँ पर। एक दो छतरी कम ही नहीं, नहीं, हम फ्री में आए थे लेकिन मुझे लग रहा है एक दो छतरी कम हो गई है। तू कब आया था? मैं भी वही 2007-8 के आसपास आया। अच्छा, तुम दोनों भाई बहन साथ में आए थे। इसमें नीचे वहाँ पे ना वो देखना है मुझे, जहाँ से वुड का इनका काम चलता है शायद से, महोगनी और वो सब का वो देखना है मुझे आगे। और वो विंडमिल पे भी गए थे तुम लोग? विंडमिल में शायद से आगे से रास्ता है आगे जाने का। पता है हम लोग को स्कूल टीचर विंडमिल के पास कोई लेके गया था, बोलते ये शाहरुख खान का विंडमिल है या अमिताभ बच्चन ने लगवाया था। मैंने बोला अब मुझे हंसी आती है सुन के, मे बी हो सकता है लगवाया हो, हमें क्या पता। लूनाकरण की डेथ के बाद और भी काफी सारे सीनोटाइप बनाए गए लूनाकरण और उनके बाद आने वाले सभी महाराजों की याद में। हर सीनोटाइप में एक मार्बल स्लैब है जिसके ऊपर जिस रॉयल फैमिली मेंबर के लिए वो बनाया गया है उनकी हिस्ट्री और एक सिंबॉलिक इमेज भी बनाई गई है। अभी हमने छतरिया देख लिया, वहाँ से पीछे हमारे देख सकते हो, वहाँ से हम लोग अब निकल गए हैं और जा रहे हैं विंडमिल की ओर। पता नहीं इन दोनों को कुछ बचपन के सपने आ रहे हैं, विंडमिल में जाते थे विंडमिल में। तो लेट मी शो यू हम कहाँ से चल के जा रहे हैं, जस्ट चेक इट। यहाँ से ऐसे चलते चलते यहाँ विंडमिल के पास जा रहे हैं, शायद इनकी बचपन की यादें वापस आ जाए। और इन लोगों को ऐसा बोला गया था बचपन में कि शाहरुख खान और सचिन के विंडमिल्स है। A few inches later. तो ये हो गया हमारे साथ धोखा, क्रिकेट का मैदान है और इतना चल के हम लोग आए कितनी बड़ी पवन चक्की देखने के लिए। क्रिकेट खेल रहे हैं तो खेल ले। नहीं नहीं चलेगा, अब वापस चलते भाई, थक गए। कहाँ रहते हो तुम लोग? बड़ा बाग यहीं पे। वो रहा। अच्छा, यहाँ पे गांव है। और ये बड़ा बाग है, और क्या देखने लायक है यहाँ पे? ये भी छतरी है, बाग है। बाग यहाँ नीचे है? हाँ, ये अंदर। अच्छा अच्छा है बाग। हाँ, आम के पौधे लगे हुए हैं। घुमाना तो सौ पे लगेंगे। हाँ, तुम तो भाई बड़े लोगों के ऐसी बातें कर रहे हो। तुम घुमाते हो 100 रुपए में? तू घुमाएगा? हम घुमाते हैं। अच्छा नहीं, तू घुमाएगा 100 रुपए में? छतरिया घुमा देंगे। छतरिया घुमा देंगे, सही है। हाँ, बोल रहे थे प्राइवेट प्रॉपर्टी, मैं से अंदर घुस के धड़ाम करके कैमरा लेके आशु तेरी वजह से चाइल्डहुड मेमोरीज, लेकिन ये नॉस्टैल्जिक तो उस टाइम पे नहीं होगा, अब हो गया होगा, पता नहीं। अरे वो बात था ना मस्त, देखा नहीं था तूने? तो नीचे के राजा बैठे थे सारे, वो सारे राजा बताओ तुझे तो, पर राजस्थान क्रॉस करके राजा ही दिखाई देते तुझे सब। तो राजाओं की लगते सभा चल रही होगी कि कौन कौन बड़ा बग हैंडल करेगा नेक्स्ट। नहीं अच्छा है, थोड़ी थोड़ी सी झलक आपको यहाँ से दिखाता हूँ, दिखता है मस्त। तो ये आपको जो मेरे पीछे थोड़ी सी मैंने झलक दिखाई वही है बड़ा बाग, अब किसी और का बाग बन गया है वो, पता नहीं। और मैं हाँ हाँ करते घुसी हूँ मैं हिडिंबा की तरह, वो अलग। ऐसे ही मैं अपनी रावण की हंसी दिखाती हूँ, तो सारे पीछे मुड़ के देख रहे हैं नीचे सारे राजा जो बैठे थे। राजा नहीं थे वो, तो प्रजा थी क्या? वो प्रजा थी, बताओ राजा राजा करे जा रही है तो राजा ही तो वहाँ बगीचे में बैठे, और किसने खरीदा हुआ? प्रजाओं ने। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बड़ा बाग देख लिया आपको, हिस्ट्री मैंने बता दी है, आई होप आपको पसंद आए होंगे। और प्लीज़ वो किसी के फार्म में मत चले। और हम राजाओं से भी मिल के आए नीचे। मिल के नहीं आए, उसने हमें खदेड़ दिया। राजा सभा कर रहे थे नीचे, कौन बनेगा नेक्स्ट राजा यहाँ का, ऐसे कुछ हो रहा था वहाँ नीचे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है, मतलब 1-1.5 घंटा आप रह सकते हो, फोटोग्राफी के लिए बहुत अमेजिंग है। सो टाइम कॉस्टली है। हाँ कॉस्टली है, पर मुझे लगता है 100 रुपीज़
ठीक है, क्या बोल सकते ज्यादा, 150 मुझे लगा मैं कैमरे के थोड़े ज्यादा लगे 150। व्लॉग पे इतना झूठ, ये इतना झूठा बंदा है, व्लॉग पे सब झूठ बोलता है। इसने अभी थोड़े बहुत कॉस्टली बोलते हैं, इसने हाँ बहुत कॉस्टली है। अगर आपको कैमरा का भी जोड़ दो विच इज 150, और गाइड का जो हमारा था प्लान वो भी कैंसिल हो गया, सो कुछ कर नहीं पाए। वॉइस ओवर मैंने हिस्ट्री डाल दिया है, वो आपको पसंद आएगी। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन, नए और सब्सक्राइब करें, ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाइव हो उसके आपको सबसे पहले अपडेट मिले। और कल का हमारा प्लान ये है कि सैम ड्यून्स में जाने वाले हम लोग, वहाँ पे हमारा अपने प्लान पहले मत बताएगा, क्योंकि हमने अपने प्लान बताया लॉन्गे वाला का क्या हुआ। सैम ड्यून्स तो जाने वाले ना फिक्स है। हाँ वो तो हमारा लॉन्गे वाला हम ट्राई करेंगे मंडे अथवा ट्यूसडे, ट्यूसडे ही जाएंगे। ट्यूसडे निकलते टाइम हम लोग लॉन्गे वाला जाके फिर निकलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिस्ट में है प्लेसेस जहाँ पे हमें जाना ही है, वीडियो बनाना ही है। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय 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 बाय।